अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाबान और आप देख रहे हो मानसरदा विला। तो आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे जिसे कि दलकूत कहते हैं। आप देख सकते हैं ये दलकूत का बीच पॉइंट है, और अगर आप इसका दूसरी साइड से देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप बैक वाले कैमरे से देख सकते हैं जैसे आसमान इन पहाड़ों के ऊपर उतर आया हो। उनके ऊपर आप देख सकते हैं कैसे हरे हरे पहाड़ हैं, और उनके साथ धुआं नुमा ये जो बादल हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ये सलाला से यमन की तरफ 170 किलोमीटर है, और यहाँ से आगे यमन जो है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर यमन से हम लोग दूर हैं, और सामने जो आपको नज़र आ रही है ये पोर्ट है यहाँ की, दलकूत पोर्ट। ये जो समंदर के बीचों बीच आपको नज़र आ रही है, मैं इसको जूम करता हूँ, ये अंदर आप जो देख रहे हैं ये पोर्ट है। और इसकी ये छोटी सी एक आबादी है, गांव नुमा आबादी है, आप देख रहे होंगे। और ये सब्ज़ो पहाड़ इस टाइम बिल्कुल हरे भरे हैं, और आसमान पे बादल जैसे बादल हैं। तो आसमान का और इन पहाड़ों में मुझे तो कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो तिरंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक एक हिसाब से मुझे तो ये बिल्कुल उसके साथ कनेक्टेड नज़र आ रहा है, ये बीच में ये साइड के ऊपर आदमी के बैठने के लिए जगह है। ये यहाँ पे पत्थर हैं, पत्थर रखे हुए हैं, और ऐसे ही ये भी एक ऐसी कुर्सियाँ लगी हुई हैं पूरी। ये वहाँ से स्टार्ट होके आबादी जहाँ पे ख़त्म होती है, तो यहाँ जहाँ तक कैमरा आपको दिखा सकता है आप देख सकते हैं रोड के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत जगह है। अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए तो मैं आपको सेंड करूँगा, एक बार ज़रूर आइए, ट्राई कीजिए। और मैं कहता हूँ कि दुनिया जहाँ के दुख भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप मौसम भी आप देख सकते हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। और कैसी लगी मेरी आपकी आपको सॉरी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।